Hello everybody, welcome back to another video. This is gonna be another life update, you guys. मैं बता रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ life update दे के, क्योंकि मुझे लगता है कि last 2 साल से जो मेरी life change हो रही है ना, I swear my life used to be like a straight line. Like it was a very normal thing that I was doing in my life. I was just working, I was enjoying my life, I was you know traveling internationally and stuff. तो बहुत ही ज़्यादा simple थी, but अब मेरी life बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, because there are like so many ups and downs, but no complaints whatsoever. Everything happens for a reason and everything happens for the best, I feel, and yes it is. And so आज एक नया chapter start करने जा रहा हूँ मैं अपनी life का, जिसके लिए मैं excited भी हूँ, nervous भी हूँ. It's like a mixed emotions that I have, and plus I'm not even thinking that much this time, you know. I'm just being confident and I'm being content. एंड बहुत सारे चैप्टर्स बंद भी हो गए. ये वाला ट्रिप काफ़ी, मेरे को लगता है लास्ट के 6 महीने में मैंने बहुत खोया है अपनी ज़िंदगी से. आई लॉस्ट माई जॉब, आई हैड टू लीव वैंकूवर, आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स इन वैंकूवर, आई हैड टू से बाय टू देम, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट. देन आई केम बैक हियर, देयर वॉज सो मच ड्रामा ऑन सोशल मीडिया दैट हैपेंड, एंड बहुत कुछ गया है लाइफ से. मेरा ये मानना है कि जब आपकी लाइफ से इतनी चीज़ें जाती हैं ना, तो कुछ अच्छा ही होता है, तभी पिछले सारे चैप्टर्स बंद होते हैं, बिकॉज यू नीड टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. सो आई बिलीव इन दैट. Anyways, बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, बहुत ज्ञान हो गया. ये सब बातें मैं अपने आप को बताता रहता हूँ, ताकि यही सब बातें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि चीजें होती है फॉर अ रीजन. बट एनीवेज, अभी मैं निकलने वाला हूँ एयरपोर्ट के लिए. रात के बज गए हैं ऑलमोस्ट 2. मैंने अपने घर वालों को ऑलरेडी दूसरे घर में भेज दिया है. मेरा घर है जहाँ पे मैं मम्मा के साथ रह रहा था, ये जनरली तब खाली होता है जब मेरे को यहाँ पे रहना होता है आके. मैंने मम्मा को दूसरे घर में भेज दिया है, जान के आई एम नॉट वेरी गुड एट गुड बायस. मैं बाय करने में इतना वो नहीं हूँ, मेरा दिल इतना स्ट्रांग नहीं है. सो मैं पहले ही भेज देता हूँ उन लोगों को कि भाई मेरे को जान दो खुशी खुशी. गाइस, मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए, और मेरे जीजू जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए सिर्फ, और पीछे कुछ एक्स्ट्रा लोग भी बैठे हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं. बट हाँ, चलते हैं एयरपोर्ट, क्या करें, बारिश हो रही है बहुत मस्त. लास्ट दिल्ली की बारिश देख ले भाई, नेक्स्ट कब दिखेगी ये भी नहीं बताया. मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं इतनी बार ये सब कर चुका हूँ ना, कि भाई मुझे कुछ फील ही नहीं होता है. इस लाइक मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे हर दूसरे महीने का ऐसे ही हो गया. बट आई एम वेरी वेरी हंग्री, ऑल्सो अनवेल, हैवन ईटन मच, एंड क्योंकि मेरे को फूड पॉइजन हो गया था मेरे लास्ट ट्रिप पे. मैंने हैव फ्रूट्स, सो आई एम गोना सी इफ कैन गो टू द लाउंज एंड ईट समथिंग टू द लाउंज. एंड मैं सिर्फ ये खाने वाला हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेल, बट एट द सेम टाइम आई एम काइंड ऑफ हंग्री. सो time to say goodbye to India for a while, and dekhte hain how the new beginning is gonna be. Landed, main mast so kya hu puri flight mein aaram se. I think 13-13.5 ghante ki flight thi, jisme se 10 ghante main bahut acha soya hu, like bahut hi acha. So I'm gonna get out of here aur uske baad dikhaunga main kahan ja raha hu. To main bata dene wala hu ki main kahan par hu. मैं शिफ्ट कर चुका हूँ टोरंटो. दिस द व्यू, दिस इज द व्यू आई एम लिविंग. दिस इज, आई गॉट अपार्टमेंट हियर इन डाउनटाउन, एंड इट्स अ वेरी नाइस अपार्टमेंट. मैं आप लोगों को टूर दूंगा बहुत जल्दी इसका भी, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ. और नई बिगिनिंग है मेरे लिए. इट वॉज समथिंग दैट आई वॉज थिंकिंग ऑन. मैं लास्ट ईयर टोरंटो आया था, और तब से मैं सोच रहा था दैट आई मस्ट try and live in this city for like a few weeks or whatever shit and see how it goes for me. And I was always very very excited. And then जब मैं वापस गया, उसके बाद मेरे को ना कोई decision लेना था, तो मैंने ये decision ले लिया बिना सोचे समझे जैसे भी करके. तो अभी के लिए मैं टोरंटो शिफ्ट हो चुका हूँ, और मैं यहीं पर रहने वाला हूँ. मुझे नहीं पता कब तक या कब तक नहीं तक, बट ऑब्वियसली आई हैड टू गिव दिस थिंग अ चांस, बिकॉज लास्ट टाइम मैं एकदम से छोड़ के भाग गया था. टोरंटो में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी रहते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर टू. सो आई थिंक it is going to be good, so we'll see. But anyways, मैं घर आया, I took a shower, I got freshen up and everything. I really need to go out and eat something. मैं हूँ तैयार, और मेरे घर की हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, और मैं यहीं पर रहने वाला हूँ अभी थोड़े टाइम के लिए. सो अभी के लिए चलते हैं बाहर, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. आई थिंक टोरंटो के मैप में ना बड़ी दिक्कत है, कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर. बट अभी मैं आया हूँ A&W खाने के लिए. ये देख लो यहाँ के नज़ारे, देख लो यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है हर चीज़. सो प्रिटी, द सन इज सनिंग. दिस नेशनल हॉट चिकन क्रंचर इज लिटरली एवरीथिंग, इट्स माय फेवरेट फ्रॉम द मेन्यू. वी हैव दिस
chicken tender in ranch and hot sauce. Jannat, I'm telling you. After the lunch, I'm just walking and I got my coffee from Tim Hortons after so long. अच्छा लग रहा है क्योंकि वेदर अच्छा हुआ है, बट अब बहुत थक भी रहा हूँ. सो आई एम गोना गो होम, रेस्ट फॉर अ वाइल, लाइक चिल अ बिट. तो उसके बाद शाम में मैं थोड़ा बाहर निकलने वाला हूँ. घर आया हूँ और यहाँ पे जिस घर पे मैं रह रहा हूँ, जो मैंने ये अपार्टमेंट रेंट पे लिया है, इसके घर के ओनर के साथ मेरे थोड़े आगे पीछे कलेश हो चुके हैं. मतलब मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगी ये सब चीज़ें यार. धोखा करते हैं साले ये सब के सब मेरे साथ. बट एनीवेज, हाँ ऐसा कुछ हो गया आगे पीछे चीज़ें, तो मैं अभी जा रहा हूँ दूसरा अपार्टमेंट देखने के लिए. मतलब ये फर्स्ट डे है मेरा, सोचो तुम. मैं जेट लैग्ड हूँ, मरा पड़ा हूँ या कुछ भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अब मैं जा रहा हूँ दूसरा अपार्टमेंट देखने के लिए. उस बंदे ने मेरे को 4 बजे का टाइम दिया था क्योंकि मैं बिल्कुल ही भूल गया था, और अब मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी से वो घर देखने के लिए क्योंकि वो घर भी निकल ना जाए कहीं. मैंने घर देख लिया है लेकिन वो 2 बेडरूम और 2 बाथरूम है. मैं इतने बड़े घर का क्या करूँगा, पानी में ना गिर जाऊँ भाई. गाइस मेरा क्या हाल हो गया, क्या पहले दिन में ही मेरे को समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ है मेरा घर, मुझे कुछ नहीं पता. सब तो यहाँ पे चलता ही रहेगा. लेकिन मैं आ गया हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू ईट फ्रॉम आउटसाइड फॉर डिनर. आई रियली वांट टू लाइक कुक एट होम, हैव लाइक समथिंग एट ईज एंड काइंड ऑफ स्टफ. सो विल जस्ट बाय अ फ्यू स्टफ. वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर एंड आई एम लिटरली डन विद द डे. I'm exhausted and I just happen to have so much. मैं jet lag भी हूँ बहुत ज़्यादा, so मुझे लगता है कि I should take a nap and I will have to sit with somebody to edit this video too. And I will keep you guys updated for the next whatever comes. So मेरे को जगह नहीं मिल रही है यार, नया हूँ अभी यहाँ पे, सुबह आया हूँ, नहीं पता लग रहा है. So I'll keep you guys updated. Okay, I'm here. खुल गया, ओके बाय.